डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैरिज। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट मैरिज के बारे में बोला है। मैरिज है वो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्या करता है, वो प्रोविजन करता है। एंड क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्होंने क्या कहा है मैरिज के बारे में, कि ये मैरिज क्या होता है, एक तुम्हारा ठीक है, इसमें क्या होता है, इट्स क्रिएट एक फैमिली बनाता है। ठीक है, एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ द क्या होता है, एक इसमें हस्बैंड होता है, वाइफ होता है। ठीक है, तो ये बना के वो क्या होता है, यूनिटी, एक तुम्हारा एक पैटर्न। ठीक है, पार्टनर बनाते हैं, प्रार्थना है अकॉर्डिंग टू। अब वैसे ही तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट आंसर ने कहा, ठीक है, तो इसके मतलब एम्स। अब एम्स ऑफ द तुम्हारा मैरिज क्या है, एम्स कि इट मीन्स, मतलब ये क्या है तुम्हारा, मीन्स कॉन्टेक्ट ऑफ जो पर्सन है अपोजिट सेक्स। और क्या है इसका एडवांटेज, और क्या सोचते हैं मैरिज का, कि ये क्या करता है तुम्हारा एक मतलब ऑफन, मतलब तुम्हारा जो भी प्रोवाइडिंग जो केयर है दूसरे का वो होता है। ठीक है, मतलब क्या प्रोवाइड करता है, केयर। ठीक है, और क्या होगा, जो भी एक फैमिली, मतलब जो भी बिल्डिंग, मतलब तुम्हारा बिल्डिंग होता जो एक्टिविटी है, ये होल और क्या सोचते हैं कि जो मैरिज है वो क्या करता है, राइट, मतलब एक जो भी तुम्हारा मैट्रिमोनियल तुम्हारा जो रिलेशन है, ठीक है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो जाए या पॉलिटिकल हो जाए, मतलब तुम्हारा ये सोशल हो जाए, इकोनॉमिक सेव करता है क्या चीज़ पर, एक मेल और एक ठीक है, पॉलिटिकल हो जाए या फिर साइकोलॉजी हो जाए, सोशल हो जाए, इकोनॉमिक्स होता है, ये क्या करते हैं, सेव होता है। ये साइंस और क्या हो सकता है कि ये प्रोवाइड करता है आपको केयर, मतलब केयर आपको तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा एज। अब देखेंगे फॉर्म, फॉर्म और तुम्हारा मैरिज फॉर्म, मतलब टाइप्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, विद इन द सेम ग्रुप और कास्ट। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो सेम ग्रुप होते हैं या फिर कास्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेम ग्रुप या फिर सेम कास्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप है जो कम,
अब है सेकंड थर्ड टाइप। मोनोग्राम, अब इसमें क्या होता है मोनोग्राम में कि हमारा वन मेल रहेगा, ठीक है, मतलब वन मेल मैरिज ए फीमेल एट ए टाइम, ठीक है, मोनो होगा, ठीक है। क्या करता है ये कि वन मेल जो मैरिज करेगा फीमेल एट ए टाइम एंड लिव विथ हर, ठीक है, एक रीगल हमारा जो भी एक रीगल सेपरेशन से वो क्या करता है, किसी में ग्रुप, ठीक है, ग्रुप मैरिज, ग्रुप मैरिज क्या है, ग्रुप मैरिज में क्या करता है एक तो मतलब मैरिज क्या होता है एक कॉमन प्लेस में करते हैं जिसमें काफी अलग मतलब ग्रुप में दुल्हन और दुल्हन करके मतलब एक ही प्लेस है लेकिन वहाँ बहुत सारे अलग अलग उसको हम बोलते हैं ग्रुप मैरिज। उसके बाद देखेंगे हम इसमें बाय फीमेल क्या रहता है डोमिनेंट, इसमें होता है फीमेल डोमिनेंट, ठीक है, और इसमें क्या होता है तुम्हारा कि जो भी मेल है मेल कैरियर जो भी वुमेन से होता है वो क्या करता है सेपरेट मतलब तुम्हारा इसमें दोनों मतलब सेपरेट टू ही जगह एक दूसरे से सेपरेट, ठीक है। अब देखोगे सुपर कंट्रोल बाय द रूरल रेगुलेशन, इसमें क्या होता है नॉन रूल एंड रेगुलेशन नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें सुपरमैन मैरिज। इसमें क्या होता है कि जो भी पेयरिंग है मेल का और फीमेल का, ठीक है, टेंपरेरी, ठीक है, इसमें क्या होता है नॉट कंट्रोल बाय द एनी रूरल रेगुलेशन, इसमें तुम्हारा इंटरकास्ट मैरिज भी होता है, इंटरकास्ट
ऊपर बैठ, ठीक है। इसमें आप देखोगे जो रहेंगे उसमें क्या करेंगे, तुम्हारा जो कास्ट है, ठीक है, देखो देखोगे आप क्या रहेगा, जो इंटरनेट है, मतलब तुम्हारा इंटर जो कास्ट है वैसे लोग उसमें रहेंगे, या फिर इंटर जो मतलब तुम्हारा रिलीजन है वैसे लोग रहेंगे, या ये जो मैरिज है वो इंटरनेशनल हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब इसी में एक है तुम्हारा लास्ट, मतलब जो है अर्ली साइन ऑफ द, तुम्हारा जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या करता है, मोर मोर चिल्ड्रेन एज ए सेल्फ, जो भी इकोनॉमिक्स तुम्हारा है वो क्या करता है तुम्हारा है, तो जो भी तुम्हारा वो इसलिए होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके जो भी इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारा, फंक्शन ऑफ द तुम्हारे जो मैरिज है, लाइफ क्या करता है, ये एक पार्ट ऑफ द क्या है, एक फैमिली बनाता है, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये क्या है, एक पार्ट ऑफ द जो भी तुम्हारा है पार्ट ऑफ द लाइफ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ रिलेशन ऑफ द एक इंडिविजुअल का बनता है, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें क्या मिलेगा आपको, जो भी मतलब रिलेशन बनता है एक दूसरे पर, ठीक है, इसलिए ये एक जरूरी है तुम्हारा मैरिज करने का, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर एक फैमिली बनाता है, ठीक है, एक अट्रैक्शन बनाता है, ठीक है। एक दूसरे को हम अकेले रहने से अच्छा क्या है, हम एक दूसरे को जो बिलीव्स हैं जो भी लव्स हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है, एक सपोर्ट मिलेगा।